मैं धन्यवाद करता हूं चौधरी हर्ष कुमार जी आज हमारी पार्टी में विधिवत तौर से आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। ये गौरव की बात है कि दो जो यहाँ पर जो मजबूत लोग थे हमारे से नेता इस इलाके में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया। हम सब बराबर का सम्मान देंगे, कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन टिकट एक को मिलेगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपने लोकसभा के चुनाव में हमारे से तीनों विधानसभाओं से मिला, और मैं कह सकता हूं कि पलवल जिले से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की, मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इस चुनाव के अंदर बहुत ही हमारे साथी जिस तरह से चुनाव के अंदर काम किया, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे साथी एक जगन डागर रह गए थे, हमारे वरिष्ठ साथी, उनका मैं नाम नहीं ले पाया था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया लोकसभा के चुनाव में, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 47.6% मत इंडिया गठबंधन ने हासिल किया है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्वाधिक मत प्रतिशत हरियाणा ने प्राप्त किया है। और साथ ही हम जहां 5 लोकसभा सीटों पर हमने जीत दर्ज की, 3 लोकसभा पर हम कम अंतर से हारे हैं, वहां खुशी की बात यह है कि हमने 90 के 90 विधानसभाओं में जीत दर्ज की है। कांग्रेस के मत प्रतिशत में 19.5% की बढ़ोतरी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में 11.5% की कमी आई है। यह इस बात का संकेत है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, और इस भारतीय जनता पार्टी जिसने इस देश को, प्रदेश को जाति धर्म और मजहब के नाम से जो एक नफरत की दीवार खड़ी करने का काम किया, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत करने जा रही है। उसके लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी दलाल साहब ने एक बात जिक्र कर दिया था हमारे चौधरी हर्ष कुमार जी के बारे में कि चुनाव के समय में, मुझे तो बताया नहीं, शायद अध्यक्ष जी को और हुड्डा साहब को शायद बता दिया होगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आपको कह भी दिया, परंतु पता नहीं आपको भरोसा नहीं होता किसी की बात पर। जिस तरह से यहां पर सुभाष चौधरी ने महेंद्र प्रताप को समर्थन दिया था, उसी तरह से चौधरी हर्ष कुमार ने समर्थन दिया था। उसमें उस समय तक, समर्थन के समय तक हमारे कोई नॉलेज में नहीं था, ना मेरे था, ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के में था। लेकिन यह हम सबके लिए खुशी की बात है, हमारे पार्टी के लिए बहुत ये उत्साह की बात है, हम सबके लिए ये गौरव की बात है कि दो जो यहाँ पर जो मजबूत लोग थे हमारे से नेता इस इलाके में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया, और उससे पार्टी को बल मिला, पार्टी को शक्ति मिली। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ चौधरी हर्ष कुमार जी आज हमारी पार्टी में विधिवत तौर से आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि पूरी तरह से मिल करके हम सब बराबर का सम्मान देंगे, कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन टिकट एक को मिलेगी। जिसको राहुल गांधी की टिकट हो, खड़गे जी की टिकट हो, उसको MLA बना देना, ये हमारा कहने का मतलब है। और कोई भी है, चाहे होडल हल्का है, चाहे पलवल है, चाहे हतीन है, चाहे 90 के 90 हलकों में, जो कांग्रेस का टिकट लेकर के आए उसको जिताने की जरूरत है। आज जो पूछने की जरूरत है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हरियाणा में निरंकुश होकर के 10 साल का शासन किया, उसका हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया है, उसका मतलब यह है कि ये सरकार बताए कि 10 साल में इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, यह बताए कि अपने इन्होंने 10 साल के अंदर क्या विकास का काम किया है। इनको बताना चाहिए
कि आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर एक पर क्यों है, आज महंगाई में नंबर एक पर क्यों है, आज कानून व्यवस्था हरियाणा में क्यों ठप्प होकर के रह गई है, क्यों प्रतिदिन व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, किस तरह से 5 की एवरेज पर प्रतिदिन मर्डर हो रहे हैं, 5 की एवरेज पर प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, 46 महिलाओं के प्रतिदिन 46 महिलाओं के साथ छेड़खानी की और दूसरी आपराधिक घटनाएं की जा रही हैं, 96% शेड्यूल कास्ट की आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं इस सरकार में, क्यों जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो सामाजिक सुरक्षा सूचकांक है मोदी सरकार का, उसने हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश क्यों बताया है, यह पूछने की जरूरत है कि क्या कारण है कि 30 बार हरियाणा के अंदर पर्चे लीक हुए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्यों हरियाणा सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और उनके 8 अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ा, क्यों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी को करोड़ों करोड़ों की रिश्वत के साथ पकड़ा गया, किस तरह से हमारे युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, क्यों हरियाणा के अंदर 2,02,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, क्यों इन्होंने कौशल विकास रोजगार निगम में खुद सरकार ठेकेदार बनकर के रह गई है, और वहां पर जिस तरह से हमारे युवाओं का शोषण हो रहा है, हमारे युवाओं के साथ में जिस तरह से जो नौकरी लगती है उससे आधे पैसे में, अगर तनख्वाह वहां पर 40,000 होनी चाहिए तो 20,000 में, और अगर तनख्वाह 25,000 होनी चाहिए तो 10,000 में बच्चों को लिया जा रहा है, यह पूरी तरह से धोखाधड़ी का है, ना मेरिट है ना रिजर्वेशन है, किसी तरह से जिसको पर्ची दे देते हैं इनके आरएसएस के और बीजेपी के लोग, उसको कौशल विकास रोजगार निगम की नौकरी दे दी जाती है, यह सरकार ठेकेदार बन के रह गई है, इस ठेकेदारी को खत्म करने की आवश्यकता है, पूरे प्रदेश में शिक्षा का और स्वास्थ्य का बंटाधार होकर के रह गया है, आज अमित शाह महेंद्रगढ़ में आकर के कहते हैं कि महेंद्रगढ़ में आकर के कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूं, मैं आने पाई का हिसाब लेकर के आया हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताएं कि उनके 10 साल के काम क्या हैं, अरे अमित शाह जी तुम कैसे बनिया के बेटे हो, तुम पे तो हिसाब भी लगाना नहीं आता, आप पहले ये बताओ, आप महेंद्रगढ़ में कह रहे थे, आप महेंद्रगढ़ में अपने भाषण में कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने खट्टर सरकार को 10 साल में 259,00,000 करोड़ रुपए दिए हैं मदद के रूप में, अब आप हिसाब लगाओ, 259,00,000 लिखो, आगे 7 बिंदी लगाओ करोड़ों की, 259,00,000 करोड़, अरे माशा जी अमित शाह जी ये तो बताओ, हिंदुस्तान का बजट तो 48,00,000 करोड़ का और तुम हरियाणा को मदद दे रहे हो 259,00,000 करोड़ की, अरे झूठों के बादशाह हो, अरे जुमलेबाजो, आपको शर्म आनी चाहिए, आप काम देखना चाहते हैं, बताओ कि मेट्रो कौन लेकर के आया था दिल्ली से बल्लभगढ़ तक, दिल्ली से गुड़गांव तक कौन लेकर आया था, दिल्ली से बहादुरगढ़ तक कौन लेकर आया था, अगर कोई मेट्रो 81 किलोमीटर के लेकर आया था तो शख्स का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, आज ये कहते हैं मेट्रो में 26 जनवरी 2016 को मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया था कि फरीदाबाद से गुड़गांव की मेट्रो मंजूर कर दी गई है, इस पर 5,900 करोड़ रुपया खर्च आएगा, इस मेट्रो लाइन में 12 स्टेशन बनाए जाएंगे और ये मेट्रो फरीदाबाद से गुड़गांव 2021 तक संचालन हो जाएगा, अब इन झूठे लोगों से पूछो कि 2016 से 24 हो गया, 8 साल में एक आठा ने भी एक फूटी कौड़ी भी इन्होंने कोई बजट में प्रोविजन किया और उस दिशा में कोई काम किया हो, और इन जुमलेबाजों की तो करतूत तो देखो, उसके बाद गतपुरी में आकर के कहते हैं
कि बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो मंजूर, 24 किलोमीटर की बनेगी, 8 स्टेशन बनेंगे, 180 करोड़ प्रति किलोमीटर खर्चा आएगा। अरे जुमलेबाजो, ये बताओ कि कहीं आपने हरियाणा का नाम कोई बजट में पढ़ने को मिला है? अभी अभी इस मोदी सरकार का बजट जो आया है, क्या उसमें हरियाणा नाम शब्द पढ़ने को आपको मिला है? इन लोगों ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया। हुड्डा साहब ने 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए थे, 43,000 करोड़ रुपया खर्च करके 5400 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुड्डा साहब ने किया था। अगर 4 बिजली के कारखाने नहीं लगते तो आज हरियाणा में बिजली की हालत क्या होती, ये आप समझ सकते हैं। ये हुड्डा साहब थे कि जब अदानी पावर से 1144 अदानी पावर से 14 अगस्त 2008 को 14 अगस्त 2008 को 25 साल के लिए समझौता किया था, जिसमें 1424 मेगावाट प्रतिदिन 1424 मेगावाट प्रतिदिन 2.94 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से निरंतर निर्बाध रूप से 25 साल तक 2033 तक अदानी पावर को हरियाणा को देनी थी। आप इन बीजेपी वालों से पूछो कि वो क्या कारण है कि अदानी ने एक साथ हरियाणा की बिजली काट दी, बिजली बंद कर दी, हरियाणा में त्राही त्राही मच गई, कारखाने बंद हो गए, गांवों में 10-10 12-12 घंटे के कट लग गए, शहरों में 10-10 घंटे के कट लग गए। उस बिजली की आपूर्ति के लिए 11.5 रुपए प्रति यूनिट तक इनको बिजली खरीदनी पड़ी थी, जो 2.94 रुपए मिलनी थी। उसकी वजह से आप बताओ कि उस अदानी पावर जिसके साथ एमओयू हुआ था, समझौता हुआ था, उस अदानी पावर से उसके अदानी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, उससे पैसा वसूल करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, यह सरकार किस तरह से सरेंडर हो गई अदानी पावर को? इन्होंने जो नया समझौता कर लिया 1424 मेगावाट को घटा करके 1200 मेगावाट कर लिया, 224 मेगावाट बिजली इनको सरेंडर कर दी, और जो 1200 मेगावाट का किया वो 2.94 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ा करके 3.28 रुपए के हिसाब से इन्होंने खरीदी। कई हजार करोड़ का चूना लगाने का काम इस सरकार ने हरियाणा में किया है। हुड्डा साहब ने जो 12 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां लेकर के आए, मेडिकल कॉलेज लेकर के आए, और एम्स का कैंसर इंस्टीट्यूट लेकर के आए, 250 किलोमीटर की रेल की लाइन लेकर के आए, ये हुड्डा साहब से पूछ रहे हैं। हुड्डा साहब ने 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए, गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने का काम किया, उनको पानी की टूटी कनेक्शन देने का काम किया, ये हुड्डा साहब से हिसाब मांग रहे हैं। अरे हिसाब आज जनता तुमसे मांग रही है, 10 साल से तुम शासन में हो, तुम झूठ बोलते रहे हो, गुमराह करते रहे हो। अब नया मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, नया मुख्यमंत्री कहता है कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं, हम इन्हें सुधारेंगे। अरे 2 महीने बाद तो चुनाव है, जब सारा कांग्रेस का नेतागण, सारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण जब हर मंच पर चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय आपको याद नहीं आया? उस समय याद नहीं आया जब अखबारों में बड़े बड़े कॉलम लिखे जा रहे थे, सारे टीवी यूट्यूब चैनलों पे आ रहा था कि 90% गलती परिवार पहचान पत्र में है, 95% गलती प्रॉपर्टी आईडी में है, यह परिवार पहचान पत्र परमानेंट परेशानी पत्र बनकर के रह गया था, लेकिन जब तुम्हें नहीं लगा था, आज तुम कह रहे हो कि इसमें गलतियां हैं, आज मान रहे हो। पहले माफी मांगो उन गरीबों से जो तुमने इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके, फर्जी इनकम दिखा करके 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप किया था। माफी मांगो उन बुजुर्गों से जब परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके तुमने उन बुजुर्गों की पेंशन काटने का पाप करने का काम किया था।
आज तुम कहते हो कि मैं 100 गज के प्लॉट दूंगा, कौन से दूंगा? हुड्डा साहब की स्कीम थी, 3,92,000 प्लॉट दे दिए थे, कुछ 8-10,000 जो प्लॉट जो पाइपलाइन में थे जिनका कब्जा नहीं दे पाए थे, इन्होंने आते ही उन गरीबों पर कलम चलाई, 7,00,000 लोगों को प्लॉट दिए जाने थे, उन प्लॉटों की स्कीम को रद्द कर दिया था इन्होंने। पहले माफी मांगे कि उस स्कीम को रद्द क्यों किया, और आज ये नई स्कीम नहीं ला रहे, जिनके जिनके जो पजेशन नहीं दे पाए थे, कब्जा नहीं दे पाए थे, उनको कह रहे जुमला की 1-1 लाख रुपया दे देंगे। 1 लाख रुपया में प्लॉट आवे कहीं? कहीं 4-5 हजार रुपया गज से कहीं पर रेट कम है? 1-1 लाख रुपया दे देंगे उनको जो पहले रोक दिए गए थे। तो ये पूरी तरह से ये झूठे और जुमलेबाज हैं। मुख्यमंत्री कुछ नहीं, ये तो जैसे गुरु कहेगा उस तरह से काम करता है, इसके बेचारे के पास में कुछ सौदा नहीं और ना ही इनके पास कोई फंड है, सारा तो स्वाहा कर दिया। हुड्डा साहब ने जब इनको सत्ता सौंपी थी, इनसे पूछो कि भाई 70,000 करोड़ का कर्जा था प्रदेश में, आज वो कर्जा 4,51,892 करोड़ पर कैसे पहुंच गया? आज कोई बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इस प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसाने का काम खट्टर ने किया है, और आज के जो मुख्यमंत्री है वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है। मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करूंगा, जिस तरह से आपने घर घर कांग्रेस, हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस के अभियान के तहत कांग्रेस के सारे कार्यक्रमों को जिस तरह से घर घर पहुंचाने का काम किया था, उसी तरह से इस हरियाणा मांगे हिसाब अभियान में इनको नंगा करने की जरूरत है, इनका चेहरा बेनकाब करने की जरूरत है, इनके झूठ का पर्दाफाश करने की जरूरत है, इनसे हिसाब मांगने की जरूरत है, और वो घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। और पूरा जो इलेक्शन 2-2.5 महीने रह रहा है, एक एक बूथ को अपना किला बना करके, बिल्कुल जो सुस्तियां भी पता चल गया कि कहां पर हमारी कमजोरी है पार्लियामेंट के अंदर, उस कमजोरी को दूर करते हुए इस सरकार हरियाणा में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस की सरकार लाना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।